स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा कि हमने जो है यहाँ पे एक डियोडोकस को टेम किया था, ये वाला डियोडोकस गाइस। तो हमने इस वाले डियोडोकस को टेम किया क्योंकि ये जो है ईरी डियोडोकस था और हमें जो है ईरी जो डाइनो को कलेक्ट करना पसंद आता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, अभी क्राफ्ट करने वाला हूँ एक टेक इम्प्लांट चैम्बर। सो अभी इसको क्यों क्राफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है ज़रूरत है गाइस, हर बार जो हमारा इम्प्लांट्स वगैरह जो रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पॉयल हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो है क्या चाहिए होता है, टेक इम्प्लांट फ्रीजर वाला चैम्बर जो भी कहते हैं उसका, खैर स्पेशली नाम नहीं याद आ रहा, देख के बताता हूँ मैं आपको इसका नाम क्या है। तो पिछली बार डंजन में गया था ना तो मुझे यही मिला था, ये देखिए ये रहा, इसका नाम है टेक इम्प्लांट चैम्बर ऑलरेडी। सो इसका नाम ही टेक इम्प्लांट चैम्बर है। तो आज मैं आपको इसको क्राफ्ट करके दिखाऊँगा, प्लस इसके अलावा इसमें फ्रीज करके भी दिखाऊँगा सारे इम्प्लांट्स वगैरह कैसे रखते हैं, कैसे फ्रीज वगैरह भी करते हैं, ये भी दिखाऊंगा कितने ज़्यादा कितने हमें जो है एलिमेंट लगते हैं इसको, एक दिन में कितने एलिमेंट ये खाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और कितने स्लॉट वगैरह होते हैं इसमें, सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। खैर रिसोर्सेज की बात कर ले गाइस, तो आपको ज़रूरत पड़ती है 50 इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल इग्नोर जो है 200 चाहिए, 200 चाहिए, 200 चाहिए, और क्रिस्टल आपको 200 चाहिए, ब्लैक पियर्स आपको 35 चाहिए, और इसके अलावा जो गाइस ईरी एलिमेंट जो है आपको चाहिए होता 30। मतलब ईरी एलिमेंट तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है ये, तो मतलब गजब ने से बाज है भाई। खैर चलिए इसको क्राफ्ट करते हैं। सो मैं फ़िलहाल के लिए दो इसको क्राफ्ट करूँगा, यहाँ पे दो मैंने क्राफ्ट कर दिए हैं, आई थिंक जो है दो तो इनफ होगा 20 इम्प्लांट रखने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मेरे क्या कहते हैं ये सब सारी चीज़ें हैं जो रिपेयर होने के लिए बाकी हैं, इनको भी रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक क्रिस्टल एक जो है एरी एलिमेंट लग जाता है एक बार इसको ऑपरेट करने के लिए। खैर फिलहाल के लिए मैंने इम्प्लांट चैम्बर तो क्राफ्ट कर लिया, सो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं इस इम्प्लांट चैम्बर को प्लेस करते हैं, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कि हमें जो कितने सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इसको ऑपरेट करने के लिए, एक दिन में ये कितने ईरी एलिमेंट खाएगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे पहले इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ, एक जो है मैं यहाँ पे बीच में प्लेस करता हूँ ट्रॉफी के पास में। ऑल राइट, सो एक तो प्लेस कर दिया और एक को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इस वाले ट्रॉफी के पास में, क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी सी जो है गाइस ना ज़रूरत है। चलिए दोनों प्लेस कर दिया, और अभी जो है हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं इम्प्लांट्स ले लेते हैं। तो इम्प्लांट्स लेट मी चेक कहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इम्प्लांट्स तो पड़े हुए हैं, काफ़ी इम्प्लांट्स होंगे, सो इसमें तो क्रोनिकल करके रखे हुए इम्प्लांट्स सारे, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि ऊपर की तरफ रखा होगा सारा का सारा इम्प्लांट्स, तो मैं ज़रा इम्प्लांट्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे पीपी से टीपीपी चूज कर दिया ना तो मुझे रास्ता वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी गाइस कि इम्प्लांट्स कहाँ पर रखे हुए हैं। ऑल राइट, सो ये हमारे इम्प्लांट्स हैं जो कि 34 इम्प्लांट्स हैं, और इसमें से जो है ओरिजिनल मतलब क्या कहते हैं, सॉरी ओरिजिनल कह रहा मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत वाले हैं उनको ले लेते हैं, मॉस्चॉप्स वाले ले लेते हैं, क्योंकि ये मॉस्चॉप ऑलरेडी टेम है, ये टाइटन तो डेड हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं, ले लेते हैं टाइटोनोबोआ। ओह टाइटोनोबोआ का तो नहीं चाहिए, टाइटोनोबोआ को क्या करेंगे, टाइटोनोबोआ रिवाइव भी करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। स्टीगो ले लेते हैं। ऑल राइट, प्रोकोप्टोडॉन, रेक्स, मॉस्चॉप, देविगो, थेरी, ट्राइस, और ये भी एलासोर्स, ट्राइस, इग्लोडॉन, फिर से चला गया वो क्या कहते हैं उसका नाम, खैर सारे ले लेते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में एक एक करके छाट लेंगे, बाद में नीचे चल के छाटेंगे एक एक। ऑल राइट गाइस, सो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ अभी जो है इसको ऑपरेट करना शुरू करता हूँ। सो देखते हैं पहले एक मैं डालता हूँ क्या कहते हैं, ओह कहीं फंस गया मैं, नहीं नहीं फंसा नहीं हूँ। चलिए पहले मैं एक जो है इम्प्लांट में डालूंगा इसको, एक ईरी एलिमेंट डालूंगा ओनली वन, फिर उसके बाद देखूंगा कि ये कितने दिन के लिए ऑपरेट हो रहा है एक से, आई थिंक एक से दिखाना तो चाहिए वैसे कि ये कितने दिन के लिए ऑपरेट होगा, खैर देखते हैं दिखाता है कि नहीं दिखाता है। सो यहाँ पे ओनली वन ईरी एलिमेंट देता हूँ मैं, चलिए इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया। सो यहाँ पे अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, मुझे क्या लग रहा ना कि ये ऐसे दिखाएगा वो खाएगा नहीं, सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है गाइस, तो ये शो नहीं करने वाला कि ये एक ईरी एलिमेंट से कितने देर तक ये रहेगा, तो ये थोड़ा सा मतलब अलग लेवल की बात हो गई। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा ईरी एलिमेंट दे देता हूँ, एटलीस्ट 21 ईरी एलिमेंट दे देता हूँ, और अभी जो है इसको फ्रीज होने के लिए डाल देते हैं। सो इसकी भी ज़रूरत नहीं हमें, यहाँ पर एलासोर्स, चलिए एलासोर्स मॉकफोज, टाइटोनोबोआ को तो बिल्कुल नहीं, टाइटोनोबोआ तो वेस्ट है एम्बर का खाली, ये सब नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को डालते हैं इसमें।
स्टीगो, प्रोकोप्टोडोन, रेक्स, मोस्चॉप, थेरी, ट्राइस, ये भी चले चाहिए। चलिए 10 हो चुका है। खैर यहाँ पे ऑन दिखा रहा कि नहीं, लेट मी चेक अगेन गाइस। और लेट्स सो ये ऑन है और यहाँ पे देखिए हमारा इम्प्लांट जो है फ्रीज हो चुके हैं, मतलब अब जो है ना इनका टाइम जो है बिल्कुल रिड्यूस नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी टाइम अब शो नहीं कर रहा होगा। देखिए जैसे मैं इस वाले इम्प्लांट्स को मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो है लेबल के पास में कहीं टाइम नहीं दिखा रहा, और वहीं पे इस वाले इम्प्लांट्स को अपने इन्वेंटरी वाले इम्प्लांट्स को टच करूँगा तो यहाँ पे जो है टाइमिंग दिखा रहा है, ये देखिए एक्सपायर इन 47 मिनट वगैरह करके टाइमिंग दिखा रहा है। खैर तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा इसमें भी फिलअप कर देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऑल राइट देयर वी गो, इसमें थोड़ा सा ही रखता हूँ और यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया इसको। एलोसोरस, ट्राइस, इग्लोडॉन, टाइटेनोबोआ फिर से चला गया, सो टाइटेनोबोआ को निकाल देते हैं। देयर वी गो, टाइटेनोबोआ को निकाल देगा इस थैरी, एक और थैरी, डियोडॉन, एक और डियोडॉन है क्या, चलिए एक और डियोडॉन है। ऑल राइट सो यहाँ पे आई थिंक थैरी को निकाल देना चाहिए मुझे क्योंकि मेरे पे काफ़ी सारे थैरी का हो चुका है। ये क्या यूनिकॉर्न है, ऑल राइट सो यूनिकॉर्न जरूरी है गाइस, यूनिकॉर्न रख लेते हैं, थैरी को निकाल देते हैं यहाँ से। यूनिकॉर्न बाद में और टेम करेंगे क्योंकि हमें यूनिकॉर्न्स की ज़रूरत है। ऑल राइट लेट मी चेक अगेन कि हमारे पास और कितने यूनिकॉर्न्स के इम्प्लांट्स बचे हुए हैं। खैर ये सारे के सारे यूनिकॉर्न्स के इम्प्लांट्स हैं, सो मुझे लग रहा है कि मुझे एक और टेक का चैम्बर बनाना चाहिए, और मुझे लग रहा बनाना पड़ेगा ही क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स के इम्प्लांट्स हैं जो कि मैं बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करना चाहूँगा। बाद में इनको मैं रिवाइव तो करूँगा ही करूँगा गाइस, आज नहीं तो बाद में करूँगा ही करूँगा। खैर तो आज के लिए इतना ही, आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे और कैसे क्राफ्ट करते हैं हमारा टेक इम्प्लांट चैम्बर। सो ये सारे काम होते हैं इनके और ऐसे ऐसे करके आप लोग सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आओ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए गाइस क्योंकि आपका सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज होने के कगार पे है, सो आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो सपोर्ट दिखाते रहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस वाली वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ।